अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, क्या हाल है सबके। अता कैसी है? अता हाउ आर यू। अता चलें जी, मैं आपको एक अता की बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी लगती है। ये देखें बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें कितनी प्यारी लगती है। अच्छा जी, अता अभी जा रही है हमारे साथ बाहर और इस वक्त बज रहे हैं रात के 1:10। तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा बाहर क्या करने, पेट पूजा करने जा रहे हैं ना। तो हमारे जी अचानक ऐसे ही प्लान बनते हैं किसी वक्त भी और हम उठ के चल पड़ते हैं। ओके जी, तो अब हम आपको भी अपने साथ आज लेके चलेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या व्यूवर्स को भी लेके चले साथ में? गाड़ी में तीन जगह नहीं है। गाड़ी में नहीं ना, वो मोबाइल में देखेंगे हमें, वो हमारे साथ मोबाइल में रहेंगे, खाना खाएंगे। अता से पूछते हैं, अता आपने जाना है बाहर जाना है आपने गागा में? अतो आपने गागा में जाना है? चलो भाई, अता जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम जा रहे हैं, स्टेयर से उतर रहे हैं। तो इस वक्त जो है, मैं आहिस्ता इस वजह से बोल रही हूँ कि सब सो रहे होते हैं, तो बस फिर सब तो कोई भी नहीं होता हमारे घर में। तो ये देखें, लाइट्स वगैरह ऑफ हैं, तो फिर भी शोर नहीं करना। ओके जी, तो हस्बैंड ने गाड़ी बाहर ही निकाल दी है। ये आज ना यहाँ पर फॉग नहीं है, शुक्र है। कल तो ऐसा मौसम था कि देखने वाला ही नहीं था। तो आज तो यहाँ पर बिल्कुल मौसम अच्छा हुआ हुआ है और हवा चल रही है, ठंड है, ये नहीं कि ठंड नहीं है, बट धुंध नहीं है, तो हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, रास्ता साफ किया ना, चलें बेटे। तो चलो, ओके जी। हेलो, तो ये हमारी घर की स्ट्रीट है बिल्कुल। ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जल्दी आ जाएं। ओके, तो आज जो है बिल्कुल भी फॉग नहीं है और इस वक्त तो रात का 1:25 हो रहे हैं और बिल्कुल वेदर जो है वो फॉग क्लियर हुई हुई है, बिल्कुल फॉग नहीं है। और कल रात 8:30 तक ऐसे हुआ हुआ था कि सामने वाला हमें घर भी इवन नज़र नहीं आ रहा था, तो इतनी ज़्यादा फॉग थी। बट आज उतना ही आसमान जो है वो क्लियर है। तो हम लोगों ने आज ये प्लान बनाया था कैंट जाने का। मुल्तान का जो कैंट है वहाँ से मिलती हैं, चांपो वाला सालन एक जगह से मिलता है, इतना ज़बरदस्त। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा बाहर से कम ही खाना खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, मतलब कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो बस जब किसी का पिज़्ज़ा या बर्गर या इस तरह की चीज़ों का दिल करे तो हम घर ही ऑर्डर कर लेते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा कहता है जाके गरम गरम उधर ही बैठ के खाए। तो खैर, ये फुल एक होटल टाइप है, ढाबा टाइप होटल जैसे होता है, तो इनका बट जो टेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त है। और ये कोई 20-25-30 साल पुराना जो है ये बना रहे हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट, और सब भी जाते हैं और इधर ना बहुत रश होता है। तो खैर, हम तो रात को बहुत लेट नाइट गए हैं तो इस वजह से इतना रश नहीं था। और ये अता मेरी गोद में बैठ के बोल रही थी पापा बेबी। आजकल ये हर वक्त यही बोलती रहती हैं, पापा बेबी। और सबार साहब की भी मस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर फुल टाइम सबार जो हैं मस्तियाँ कर रहे थे और अता उनको पीछे देख रही थी कि ये दोनों जो हैं बहुत मस्तियाँ करते हैं। ये देखें जी, सबार की मस्तियाँ। तो हस्बैंड जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और बस हमें भी देख रहे थे कि ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं तो खैर, हम लोग यहाँ पे जी पहुँच गए हैं और ये वो जगह है हाजी मोहब्बत सादिक एंड तारिक चांप। ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका सालन होता है और इन्होंने ऊपर रखा होता है जी मक्खन। इधर हम पहले सोच रहे थे गाड़ी में बैठ के खाएं, फिर नहीं, मैंने कहा अता है
तो नहीं, फिर हम लोग अंदर ही चले गए और अंदर बैठ के फिर हमने खाया। और इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, कभी कोई मुल्तान विज़िट करे तो इधर ज़रूर आए। टेस्ट एक मेन चीज़ होती है, जगह नहीं देखनी चाहिए, टेस्ट बहुत इनका ज़बरदस्त था, तो हम तो अक्सर इधर से खाते रहते हैं। तो चलें जी, आज का अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।